उद्धव ठाकरे के दादागिरी वाले बयान पर बड़ी सियासत, बीजेपी बोली हनुमान चालीसा से डरते हैं महाराष्ट्र के सीएम। उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले हिंदुत्व राष्ट्रवाद है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। वो पीस के लिए होनी चाहिए, पैनिक के लिए नहीं। और जो लोग प्रेयर को पीस के लिए करने के बजाय पैनिक पैदा करने के लिए करते हैं, निश्चित तौर से उनको पब्लिक कभी स्वीकार नहीं करती। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, आज तक से खास बातचीत में राणा दंपत्ति पर सवाल उठाए। लोगों का यह बोलना कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? राणा दंपति को मुंबई सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अदालत ने 29 अप्रैल तक सरकारी पक्ष से जवाब मांगा। रिक्वेस्ट करने के ऊपर हमने 29 तारीख के ऊपर रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिए। 29 तारीख को रिप्लाई फाइल होने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी कब वो हियरिंग होगी, या तो 29 को भी हो सकती है या 29 के बाद हो सकती है। कोर्ट अपनी डायरी एडजस्ट करके उसके बाद में बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। नवनीत राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस का जवाब, जारी किया वीडियो, खार थाने में पति के साथ चाय पीती दिख रही है अमरावती की सांसद। नवनीत राणा ने स्पीकर को लिखी थी चिट्ठी, कहा था पुलिस स्टेशन में नहीं दिया गया था पीने के लिए पानी और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। हनुमान चालीसा विवाद में केंद्र सरकार की एंट्री, नवनीत राणा मामले पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। महाराष्ट्र के अमरावती में नवनीत राणा के समर्थन में निकाली गई रैली, सांसद और उनके विधायक पति को रिहा करने की मांग। बीजेपी नेता किरीट सुमैया को झटका, खार पुलिस स्टेशन में नहीं दर्ज हुई शिकायत, बांद्रा पुलिस के खिलाफ दर्ज कराने गए थे FIR। मैदान ओपन है, हम इस प्रकार की बोगस बातों से डरते नहीं है और इसके लिए ये सब पोक बर्तन उद्धव ठाकरे इशू डाइवर्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में योगी सरकार, लखनऊ की मस्जिद को सौंपा गया सरकारी गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश में अब तक 125 जगहों पर उतरवाए गए लाउडस्पीकर, 30 अप्रैल तक मंडलायुक्तों को जिले से रिपोर्ट भेजने के निर्देश। खरगोन हिंसा के बाद ग्रामीण इलाकों में नाराजगी बरकरार, आर्थिक बहिष्कार का शपथ ले रहे हैं गांव वाले। कीर्तन में शामिल होने आए खरगोन के सांसद गजेंद्र पटेल का भड़काऊ बयान, ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपील की। अगर आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं, पत्थर तुमने बरसाए हम बड़े पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना। खरगोन में हिंसा के बाद संवेदनशील इलाकों पर तैनात होगी तीसरी आंख, लगाए जा रहे हैं 64 लाख के HD कैमरे। आजमगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, एक रेस्टोरेंट और मकान को बुलडोजर से गिराया। मेरठ के मवाना रोड पर गर्जा बुलडोजर, जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। दिल्ली में जारी रहेगी बुलडोजर की धमक, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर बोले शाहीन बाग में भी चलेगा बुलडोजर। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद गुजरात के साबरकांठा में प्रशासन ने उठाए सख्त कदम, गिराई जा रही है इलाके में बनी गैर कानूनी इमारतें। साबरकांठा प्रशासन ने गैर कानूनी इमारतों को लेकर जारी किया था नोटिस, बुलडोजर देखते ही लोग खुद ही इमारत तोड़ने में जुटे। बुलडोजर को लेकर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेरा, अनंतनाग में कहा गिराए जा रहे हैं मुसलमानों के ही मकान। बगावती तेवर दिखाने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने लिया एक्शन, पार्टी के सभी पदों से हटाए गए सुनील जाखड़ और केवी थॉमस। प्रशांत किशोर ने ठुकराया कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव, ट्वीट कर कहा पार्टी को बेहतर लीडरशिप और अंदरूनी समस्याओं का हल ढूंढना जरूरी। प्रशांत किशोर पर फैसले की कांग्रेस ने भी पुष्टि की, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके राजनीतिक रणनीतिकार का धन्यवाद किया। विधायक जिग्नेश मेवाणी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया बारपेटा, CJM कोर्ट ने रद्द की जिग्नेश की बेल याचिका। जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी को लेकर बारपेटा में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता। कोलकाता में भी जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन, राजभवन के बाहर कांग्रेस का हंगामा। बिहार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, डिप्टी CM बोले
केंद्रीय नेतृत्व लेगा फैसला। यही भी है कानून व्यवस्था को ठीक करना सरकार की प्रथम जवाबदेही है और उसका सरकार को भान है, सरकार उसको संवेदनशीलता से देखेगा। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ विरोध। पंजाब में खराब गेहूं की फसल को लेकर केंद्र सरकार की चिट्ठी पर सुलगी सियासत, पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लालचंद ने किया मंडियों का दौरा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिद्धपीठ काली मठ की पूजा दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केदारनाथ मंदिर परिसर में निर्माण के काम का सीएम धामी ने लिया जायजा, निर्माणाधीन मंदाकिनी आस्था पथ को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। काफी तेजी से वहां पर प्रारंभ हुआ है और क्योंकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है। शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, हमारी राष्ट्र ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं विचारों की भी अमर यात्रा है। हमारी राष्ट्रभक्ति शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति मां भारती की आराधना, कोटि कोटि देशवासियों की सेवा साधना। अब बच्चों को भी मिलेगी कोरोना से सुरक्षा, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। अब 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी, जायडस कैडिला की जायकोव डी भी तैयार करेगी सुरक्षा कवच। कोविड के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने जमाई नजर, कल 12 बजे देशभर के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे पीएम। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, एक दिन में सामने आए 2400 से ज्यादा मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या 15,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 102 नए मरीज, 27 फरवरी के बाद एक दिन में सबसे अधिक बढ़ोतरी। मुंबई और ठाणे में बिजली का संकट, दादर, माहिम, बांद्रा, खार और सांताक्रूज में बार बार ठप हो रही है सप्लाई। यूपी के सीएम योगी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा राज्य में नहीं होनी चाहिए सप्लाई में कटौती। झारखंड में बिजली संकट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने सवाल उठाए, ट्वीट कर पूछा आखिर बरसों से राज्य में बिजली संकट क्यों। झारखंड में बिजली की समस्या को दूर करने को लेकर सरकार ने विभाग को मुहैया कराया फंड, हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में फैसला। बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार, पावर प्लांट्स को कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने को लेकर ऊर्जा और रेल मंत्रालय के बीच चर्चा। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एनेक्सी में मंत्रिमंडल के साथ बैठक की, प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी सरकार के मंत्री अब प्रदेश भर के मंडलों में जाकर करेंगे रात्रि प्रवास, सरकारी योजनाओं की लेंगे फीडबैक। योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स को मंजूरी, आने वाले समय में शुरू होगी प्रक्रिया। दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के भाषण के दौरान हंगामा, ITPO हाय हाय के नारे लगे। 400 गांवों में पेयजल सप्लाई ठप होने पर चुरू के विधायक ने किया मटका फोड़ आंदोलन, 13 मई से बेमियादी धरने की भी चेतावनी दी। तेज प्रताप के ट्वीट पर तेजस्वी ने चुप्पी साधी, छात्र जनशक्ति परिषद ने कहा 1 मई से जनता दरबार लगाएंगे लालू के बड़े बेटे। धर्म संसद में नफरत वाले भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार को फटकार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 संदिग्ध गिरफ्तार, सरपंच की हत्या में थी तलाश। राजस्थान के सिरोही में स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन की अनूठी पहल, हाथ में झाड़ू थामे सफाई अभियान में जुटे अधिकारी। नोएडा के एक मॉल में पार्टी के दौरान मारपीट, बिहार के रहने वाले ब्रजेश राय की मौत, बाउंसरों पर हत्या का आरोप है। नोएडा सेक्टर 39 के गार्डन गलेरिया में रात 11 बजे बिल को लेकर हुआ विवाद, पुलिस के अनुसार अपनी कंपनी की तरफ से पार्टी कर रहे थे ब्रजेश राय।
बृजेश राय हत्या मामले में 8 लोग गिरफ्तार, मृतक की पत्नी ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के वसंत कुंज में पानी को लेकर बहा खून, आपसी विवाद में महिला की हत्या। पुणे में फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग, जलकर खाक हुआ लाखों का माल। झारखंड के पलामू में मंदिर में पूजा करने गई महिला की साड़ी में आग लगने से मौत, सीसीटीवी में तस्वीर। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल तस्कर गिरोह का सरगना शरद गोस्वामी समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, 2.5 करोड़ का मोबाइल जब्त। समस्तीपुर जेल में इलाज के दौरान खून की कमी से कैदी की मौत, शराब तस्करी के मामले में सजा हुई थी। फरीदाबाद के अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए कैदी की मौत के बाद बवाल, परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। धूल भरी आंधी से छोटी राहत के बाद दिल्ली वालों को गर्मी ने फिर बेहाल किया, मौसम विभाग ने जताया हीट वेव का अनुमान। कर्नाटक के हुबली में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट। नागपुर में कम होने का नाम नहीं ले रहा है गर्मी का पारा, 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। बाबा महाकाल के भक्तों को जल्द मिलेगा तोहफा, भस्म आरती के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परिसर में ही मिलेगा नाश्ता। कानपुर में वैभव नारायण मंदिर में भक्त के साथ भगवान को भी गर्मी से राहत देने की तैयारी, एसी कूलर का इंतजाम। राम की नगरी में कमल मॉडल और वंदना इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का कमाल प्रस्तुत की हनुमान चालीसा नृत्य नाटिका। 776 अंकों की बढ़त के साथ 57,356 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 246 अंक बढ़कर 17,200 पर बंद। 4 से 9 मई को आएगा देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, एलआईसी में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर सरकार जुटाएगी 21,000 करोड़ रुपए। भारत में जॉब सर्च करने से बच रहे लोग, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना छोड़ा जिनमें ज्यादातर महिला कर्मचारी शामिल हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, शेयरों में आए जबरदस्त उछाल के दम पर वॉरेन बफे को पीछे छोड़ा। जुलाई से कमर्शियल फ्लाइट्स को शुरू करेगी अकासा एयर, राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन 1 जून में करने वाली थी उड़ानों की शुरुआत। स्थापना दिवस के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में धार्मिक संस्था की पहल, गरीबों को राशन बांटा। बिहार के गया में बाल युवा संसद का हुआ आयोजन, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उद्घाटन किया। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव बनाए जा सकते हैं यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, 4 दिन पहले ही सीएम योगी से मुलाकात की थी।